हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक. वेल, कॉन्टिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ऑलरेडी हम लोग कुछ क्वेश्चंस उस पर कर चुके थे, आज हम लोग उससे आगे करना स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग पहले मुझे कमेंट करके बताइए क्या आवाज़ वाज सब ठीक ठाक आ रहा है एवरीवन. तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे तुरंत क्वेश्चन, काफ़ी आज मज़ा आने वाला है. फास्ट थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइए क्या सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है. ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन. संदेश, सोनादि, ओपन हार्ट कंपोजर, गुड इवनिंग. जेंस, गुड इवनिंग. ठीक है, चलो जी तो स्टार्ट करते हैं. देखो, शायद ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी टच करेंगे. तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको पहले हम लोग आज कर लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सब ठीक ठाक है? वेल, तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट, मैं पढ़ देता हूं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है. ठीक है, और एवरीवेयर कह रहा है, तो एकदम बिल्कुल उसी अंदाज में हम लोग काम करेंगे जैसा मैंने पहले सिखाया था आप लोग को. पहले ये तो पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसे हम लोग कहते हैं. ठीक है, तो आप यहां पर लिख दो, वी हैव पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इज पी एक्स. ठीक है, पी एक्स, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए वन. पॉलिनोमियल फंक्शन को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो आप यहां लिख दो ए जीरो, एक्स का पावर जीरो लिख सकते हो. मैंने लिखा ए वन एक्स का पावर वन प्लस ए टू एक्स का पावर टू प्लस ए थ्री एक्स का पावर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एंड एक्स का पावर एन हो गया. ठीक है, यह पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है. समझ पा रही है? इसी पॉलिनोमियल से हम लोग क्वाड्रेटिक निकालेंगे, लीनियर निकालेंगे, क्यूबिक निकाल सकते हैं. ये सारे के सारे पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, लेकिन एज अ जनरल इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखते हैं, ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है, तो देखो जी, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, और एक ही फंक्शन है ना, और मुझे हर जगह कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है. एक ही फंक्शन है, हर जगह कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है. तो मैंने मेथड आपको सिखाया था, आप लिख दो लेट सी बी एनी रियल नंबर. कोई भी एक रियल नंबर ले लेंगे हम लोग, सी बी एनी रियल नंबर, वी विल टेक दिस वन. ठीक है, अब जरा देखते हैं, अगर ऐसी बात है सी बी एनी रियल नंबर, तो सबसे पहले मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी. और देखो, जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि फंक्शन यहां पर एक ही है. सुनाई दे रही है मेरी बात? फंक्शन यहां पर एक ही है, इसलिए यहां पर डायरेक्ट आप लिमिट निकाल दो एक्स टेंस टू टी. और मैंने यहां पे लिखा पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स लिखा, इस एक्स का वैल्यू यहां पे डायरेक्टली पुट कर दो. ठीक है, यही हम लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जहां पर एक्स है वहां पर सी पुट कर दो. तो देखो जी, पी सी आ गया, ये पी सी आ गया, है ना. या तो आप इतना बड़ा में वैल्यू पुट करो, वो भी मतलब एक ही चीज होगा. तो जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या कर दिया ना, इस एक्स का वैल्यू सी उठाकर यहां पर कर दिया, विच इज इक्वल टू पी सी. तो कह सकते हैं ये हमारा लिमिट हो गया, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है, इसका मतलब गिवन फंक्शन कैसा हो गया जी, कॉन्टिन्यूअस एवरी वेयर. बस आपको इतनी सी खाली काम करना, दिख रहा है, ये लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. जैसा मैंने आपको पढ़ाया था फॉर कॉन्टिन्यूटी, अगर कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है तो लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. क्या सब कुछ क्लियर है? कमेंट करके बताएं मुझे.
समझ में आया जल्दी कमेंट करें फास्ट। वेरी गुड, जल्दी सब बताएं, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग इन करेंगे। ठीक है सब, हम लोग अगला क्वेश्चन यहां पर इन करेंगे क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब क्लियर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इन करते हैं। देखो जी, अब मैंने आपको सिखा दिया कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो सारा का सारा कॉन्टिन्यूस होता है, इतनी बात तो पता चल गया आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन में अब इन करते हैं। ठीक है, जितना पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होता है। अब इसी पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि एवरी रेशनल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस। आपको एक और प्रूफ करना है कि जितने भी रेशनल फंक्शन होते हैं ना वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, वेल उससे पहले एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा, ये देखो थोड़ा पढ़ो तो। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल कहीं दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है, तो पहले मैं इसी को करवा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, या मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, लाइट ज़्यादा है थोड़ा, मुझे गोरा करने की पूरी कोशिश की गई है, क्लियर, शायद आपको दिख जाए। Find all the point of discontinuity of the greatest integer function defined by fx। ये देखो जी, greatest integer function यहाँ पर दिया हुआ है, where greatest integer function denote less than or equal to x हो गया। ठीक है, दिख रहा है सर, तो इतना तो कम से कम पता है कि ये जो है ना, this is greatest integer function हो गया। ठीक है, this is greatest integer function हो गया, और आप कह सकते हो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दो पार्ट में टूटता है, क्लियर। मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ लिखा मान लो k, इफ k स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन, वी आर गेटिंग एज अ, इट इज k प्लस वन वी आर गेटिंग। ठीक है, k प्लस वन मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर हो जाएगा k माइनस वन, इफ k माइनस वन स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन, मैंने लिखा यहाँ पर k कर दिया। हो सकता है कि अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी कि मैंने ये क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि इस पर मैं काम करवाया हूँ। जैसे देखो, अगर कहीं भी 2.1 रहता है, ठीक है, 2.1 रहता है, तो 2.1 जरा मुझे बताओ कि ये 2.1 है ना, किस इंटीजर के बीच में लाएगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। एकदम ध्यान से देखिए, 2.1 विल लाई बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में लाई करने वाला है। ठीक है, तो मुझे कौन सा इंटीजर आपको लेकर के चलना है, छोटा वाला बड़ा वाला कौन सा लेकर के चलना है, तो बोलोगे सर छोटा वाला आपको लेकर के चलना है। जब भी कोई रियल नंबर डेसिमल पार्ट अगर मिलेगा ना, और दो इंटीजर के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो यू हैव टू सेलेक्ट स्मॉलर वन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा जी, 2 होगा। ओके चलो, अब मैं कालिया से पूछ लेता हूँ, कालिया आपका फेवरेट कैरेक्टर है, तो मान लो 2.5 हुआ। देखो राउंडिंग अलग चीज़ होती है, ठीक है, राउंडिंग अलग चीज़ होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राउंडिंग। ठीक है, राउंडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ये अलग चीज़, GIF नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, राउंडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। कोई मुझे कमेंट करके बताओ जरा, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन कालिया से पूछ रहा हूँ, कालिया तो बता देगा, देखते हैं आप लोग बता पाएगा कि नहीं, बताओ जी। 2.5 होगा, 2 होगा, वेरी गुड। अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ 2.9, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, देख लें थोड़ा सा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस वन, ये मुझे बता दो जी। वाओ, इसमें भी 2 होगा, वेरी गुड, बहुत चालाक हो गए हो। हाँ कालिया, तुम लोगों को चालाक बना दिया है,
ठीक है, 2.9 का टू ही होगा। अच्छा इसमें देखते हैं कौन बना रहता है, एकदम फास्ट जवाब दीजिएगा। 3.6 का मुझे जवाब दे दो जी, क्या आंसर होगा 3.6 का, जल्दी से मुझे बताइए। 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3, वेरी गुड। मैक्सिमम लोग का जवाब आ गया है 3। सोना, कोमल, खुशबू, दिवाकर, प्रिंस, वेरी गुड, 3.6 का 3 आ गया। अच्छा एक मुझे बता दो, ये तो समझ में आ रहा है जी, अब मुझे बताओ 5 का, मुझे बता दो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। एनी वन, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इधर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। एनी वन, चलिए क्या होना है, चलिए बहुत अच्छा, 5 का 5 आ जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है एक और देख लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन मैं छोटा व्यू से पूछता हूँ, -2.9। अब मुझे बताओ मैक्सिमम लोग फंसेगा इसमें, -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -2.9। आप लोग मुझे कमेंट करके जवाब देंगे, थोड़ा मैं चाय पी लूँ, देखते हैं। क्या हो सकता है -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है -3 बहुत लोग आ रहा है, कुछ लोग का 3 भी शायद बोल रहे हैं, कुछ लोग -2 बोल रहे हैं। देखो मैं इसको बता देता हूँ, देख लो मेरे करण अर्जुन सब, 2.9 है ना, 2 और 3 अगर पॉजिटिव में होता तो, सुन लो पहले सुन लो, ठीक है कान मत खड़े करो सर गलत बोल रहे हैं, ये नेगेटिव है मैंने पॉजिटिव लिया 2.9, 2 और अगर पॉजिटिव होता तो 2 और 3 होता, अगर पॉजिटिव होता तो ये आंसर लेते, ठीक है लेकिन ये तो नेगेटिव है तो इसका आंसर उल्टा कर दो, 3 नहीं लेंगे -3 कर दो, माइनस है ना तो आंसर होगा -3। जिनका भी आंसर -3 आया है बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे सोच लो, अगर पॉजिटिव है, क्योंकि मैं इसी तरह सोचता हूँ, मान लो पॉजिटिव रहता तो 2.9 इट विल लाई बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में होता, ठीक है लेकिन ये नेगेटिव, अगर पॉजिटिव रहता तो 2 आंसर होता और नेगेटिव रहेगा ना तो उल्टा ले लेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है तो आंसर वी विल टेक -3 हो गया, क्लियर, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा -6.1 का बता दो जी, -6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फर्स्ट, थोड़ा बताइए, वेरी गुड सौरभ, सोना और जल्दी जल्दी बताओ, ऑफकोर्स -7 होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ खर्च करो, अगर पॉजिटिव होता तो 6.1 विल लाई बिटवीन 6 एंड 7, तो आंसर इसका 6 होता लेकिन मुझे क्या करना है 7 और इसके साथ नेगेटिव लगा देना -7, ठीक है वेरी गुड, ये इसका आंसर हो गया। तो आओ अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या कर दो ना, लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है या सी की जगह आप के भी कर सकते हो, कोई भी एक नंबर ले लो, के बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है मतलब कोई डेसिमल वाला पार्ट, ठीक है डेसिमल वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे के का वैल्यू 2.1 2.3, क्योंकि हर जगह मुझे प्रूफ करना है, ठीक है क्वेश्चन साफ कह रहा है कि डिफाइंड और फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहाँ कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा पहले चेक कर लेते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ होगा डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा वो सब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है पहले हम लोग क्या लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है इसको ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, मैं एग्जांपल देकर के बताता हूँ, के का वैल्यू मानो 2.3 ले लिया, ये एक रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर अभी नहीं लेना है, हालांकि इंटीजर भी एक तरह का रियल नंबर ही है लेकिन अभी डेसिमल वाला नंबर लेना, ठीक है 2.3 2.4 जितना भी है ये सारे कोई भी एक रियल नंबर मैंने ले लिया, ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से
कॉन्टिन्यूटी के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरे को निकालना होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करता हूँ ना, लिमिट x टेंस टू k के ऊपर प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एफ एक्स ले लिया, k के ऊपर प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा x टेंस टू k के ऊपर मैंने प्लस किया, और एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने लिख दिया, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब जरा बताओ, ये x टेंस टू k के ऊपर प्लस दिख रहा है, इसका मतलब हो गया k से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और आपको पता है k से थोड़ा ज़्यादा करने का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, किसी को मुझे थोड़ा सा अगर ज़्यादा करना है, पहले k प्लस था, तो k प्लस का मतलब k से थोड़ा ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कैसे होगा, इसमें कुछ हम ऐड करेंगे तभी जा करके ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और आपको पता है कैसे लिखा जाता है कि x टेंस टू k के ऊपर प्लस है, तो h टेंस टू कितना होना है जी, जीरो हो जाएगा। h टेंस टू मैंने यहाँ पर लिख दिया जीरो, जो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, ये एकदम जीरो के आसपास है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने रखा लिमिट h टेंस टू, यहाँ जीरो कर दिया, और जहाँ पर x था वो क्या हो जाएगा जी, k प्लस h हो जाएगा। यही तो किया गया था ना, इन द प्लेस ऑफ x जो की गई थी, इट इज k प्लस h किया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे बता दो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 2.3 है, ठीक है। ध्यान से देखो, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे खुद जवाब दीजिएगा, ठीक है, खुद जवाब दीजिएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ये k प्लस h कह रहा है जी, ठीक है। ये मुझे बता दो, अभी k जो होता, ये जो 2.3 था, ये किसके बीच में होता, 2 और 3 के बीच में। एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, सपोज ध्यान से देखिएगा कि ये k का जो वैल्यू है 2.3, ये 2.3 किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। और इसको हमने क्या ज़ूम किया था, अभी k ज़ूम किया हुआ है, 2.3 को k ज़ूम किया, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, k प्लस h, थोड़ा सा मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। और k का वैल्यू कितना था, 2.3 में थोड़ा सा कुछ भी ऐड करो, तो जीरो के आसपास। तो मान लो मैं क्या कहूँगा इसको, देखिए थोड़ा सा अगर ऐड करोगे 2.3 में, तो हो सकता है 2.4 हो जाएगा, एकदम छोटू सा एकदम ऐड करना है आपको, तो 2.3 में अगर थोड़ा सा ऐड करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है, ये कह सकते हैं ना हम लोग, वी विल गेट। तो लेकिन 2.4 भी अभी किसके बीच में लाइक रहेगा, 2 और 3 के बीच में लाइक करेगा, बस मिलता है। अब देखो ये क्या हुआ, ये k प्लस h आया होगा, ये ना थोड़ा सा ऐड हुआ, ऊपर वाला k था और नीचे वाला 2.4 हुआ, तो k प्लस h आ गया होगा। तो पहले भी आंसर k का, पहले भी आंसर 2 ही था, और अभी भी आंसर कितना आ रहा है बताओ, तो 2 आ रहा है, बस समझ में आ रही है, 2 ही आ रहा है इसमें, ये ध्यान देकर के आपको चलना है। तो k प्लस h, तो ध्यान से अब देखना है, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, ये देखिए, देखो अब जो चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो देखो पहले, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे क्या, अब बोलोगे सर लिखेंगे क्या हम लोग, ये देखो, अब ऊपर का डेफिनेशन में थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, ऊपर का डेफिनेशन में क्या है, यहां पर अभी हम लोग देख लेते हैं आंसर, तो होगा क्या कि ये k है, k प्लस, अगर मान लो x का वैल्यू k और k प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, k और k प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, k होगा। तो ये मुझे बताओ ये क्या है, ये तो इंटीजर है कि नहीं, एक k और एक k में ज़्यादा, अगर ये 2 तो ये कितना होगा, 3, यही कह सकते हैं ना, किसी में अगर एक ज़्यादा होता है तो ये 2 और ये हो जाएगा 3, वो जो x है 2, ये कोई रियल नंबर हो गया, दिस इज रियल नंबर, आर नंबर, ठीक है, और ये इंटीजर के जैसा काम करेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इंटीजर के जैसा, के और के प्लस वन का मतलब क्या सेंस समझ में आ रहा है, वही चीज आ रहा है कि अगर 2 तो दूसरा वाला 3, इसके बीच में लाइक करना है। तो अब मुझे बता दो, आप कुछ ऐसा समझना, ठीक है, तो यहां देखिए, ये मैंने लिखा के प्लस एच, ठीक है, के प्लस एच मैंने लिखा, तो इसका आंसर हम लोग क्या ले लेंगे, इसमें कुछ ऐड हो रहा है,
या तो आप ज्यादा बेटर है ना, यहां पर सी ले लो तो और ज्यादा अच्छा सबको समझ में आएगा। यहां पर सी कर लो, यहां पर आप सी ले लो तो सी प्लस मैंने लिया, ऐसे करके हम बोलेंगे। यहां भी क्या कर लो आप, सी प्लस कर लो, इससे और ज्यादा क्लियर आपका हो जाएगा, जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू सी के ऊपर प्लस, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा यहां बताओ, ये हो गया एच टेंस टू जीरो लिखेंगे, और ये हो गया सी प्लस एच हो गया। अब देखो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये सी प्लस एच हो गया, ठीक है। यहां जो बोला था ना सी कोई रियल नंबर सब बन जाओ, 2.3 डेसिमल वाला, इंटीजर नहीं, 2.3 ले लिया मैंने, ठीक है। और अब जरा देखिए कंसेप्ट वही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वही कंसेप्ट है जो पहले बताया, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ अगर ऐड करोगे सी प्लस एच, ठीक है, तो सी प्लस एच पहले ये जो सी था ये किसके बीच में लाइक करेगा, यहाँ देखो ये जो सी है भाई मान लो इसी के बीच में, कोई दो इंटीजर के बीच में लाइक करता है, कोई भी रियल नंबर जो लाइक करेगा दो इंटीजर के बीच में, मान लो टू और ये थ्री के बीच में लाइक करेगा, ये जो सी का वैल्यू 2.3 मैंने अज्यूम किया, ठीक है। अब अगले बार सी प्लस एच, ठीक है, ये सी प्लस एच, और अभी भी क्या है ना सी प्लस एच ये के और के प्लस वन के बीच में ही लाइक करेगा। बोलोगे कैसे, जैसे मैंने अभी बताया था 2.3 में कुछ ऐड कर दो, प्लस एच ऐड कर दिया तो ये क्या हो सकता है 2.4 के आसपास जाएगा, तो अभी भी तो ये 2 और 3 के बीच में ही लाइक कर रहा है, ठीक है, और 2 समझो के, 3 हमारा के प्लस 1 हो गया। तो मुझे बताओ सी प्लस एच का भी आंसर अभी क्या आएगा, के ही आ सकता है, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, देख लो किया जाएगा, ये किया जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए ये आंसर किया गया आपका। एक मिनट थोड़ा सा मुझे बताओ क्या समझ में ये चीज आई, मत कह देना कि नहीं आया सर, ये समझ में आया कि ये आरएचएल मैंने बताया और उसी तरह से मैं इसका एलएचएल बता रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू सी के ऊपर माइनस। अच्छा देखो एक और देख लो, एफ एक्स किया, यहां लिखेंगे एक्स टेंस टू सी के ऊपर माइनस, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर लिखा लिमिट एक्स टेंस टू सी, सी छोड़ दो, अभी हम लोग जीरो लगा सकते हैं क्योंकि मुझे सी से कम लेना है, तो क्या होगा सी से कम कैसे होगा, ये होगा सी माइनस एच होगा, ठीक है, सी माइनस मुझे एच होगा, ये ले सकते हैं, जैसे बताया था ना देखो कि सी से मुझे कम लेना है, ये देखिए एक्स इक्वल टू सी के ऊपर माइनस है तो मुझे कम कैसे बना सकते हैं, सी में कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो जहां पर एक्स था इन द प्लेस ऑफ एक्स सी माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, सी माइनस एच हो गया। अब देखिए जो मैं सिखाना चाह रहा हूं इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से पहले सुन लीजिए, ऊपर सी को मैंने कितना लिया था 2.3 लिया था, तो सी ये 2.3 किसके बीच में लाइक करेगा, 2 और 3 के बीच में लाइक करेगा, क्योंकि सी का वैल्यू 2.3 2.3 विल लाइक बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में लाइक कर रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो मान लो सी एक रियल नंबर है तो दो इंटीजर के बीच में लाइक करेगा, एक के और दूसरा के प्लस 1 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 को एज्यूम कर लिया के, 3 को एज्यूम कर लिया के प्लस 1 और सी को एज्यूम कर लिया 2 माइनस 3। अब मुझे बताओ सी माइनस एच करना है, इस सी में से कुछ माइनस करना है मुझे, ठीक है, माइनस करना है, तो ये माइनस करके क्या आएगा, सी में कुछ माइनस कर लो, 2.3 में माइनस कर लो, छोटा सा माइनस करोगे तो 2.2 आएगा, लेकिन अभी भी 2.2 मुझे बता दो ये किसके बीच में लाइक करेगा, ये 2 और 3 के बीच में ही तो लाइक करेगा ना, अभी भी थोड़ा सा मुझे बता दो ये 2.3 2 और 3 के बीच में लाइक करेगा, और 2 को हमने क्या एज्यूम किया था के, और 3 को एज्यूम किया था के प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ, इट इज कमिंग अभी भी आंसर आ जाएगा इसका के, तो देखो स्टिल वी आर गेटिंग आंसर एज अ के हो, तो ये बात समझ में आई, ये हमारा राइट हैंड लिमिट था, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब आ जाओ वैल्यू ऑफ द फंक्शन में देखते हैं, अगर एफ एक्स था ना, एफ एक्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर
और एफ सी रखते हैं, तो यहाँ पे रख दो मैंने सी कर दिया, और सी कैसा जूम किया था, सी 2.3 के आसपास है, तो 2.3 रहेगा तो अभी भी आंसर इसका क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। तो मुझे बता दो एफ सी का वैल्यू भी कितना हो गया जी, के आ गया। तो ध्यान से देखिए, जब एफ सी का वैल्यू भी के है तो मैं कह सकता हूँ ना कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिल्कुल सेम सेम है। तो कह सकते हो कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, जहां जहां रियल नंबर है ना डेसिमल वाला पॉइंट वहां पे कॉन्टिन्यूअस। अब इंटीग्रल वैल्यू पे देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं, वी विल टेक इंटीग्रल वैल्यू। यहां पर कोई दिक्कत किसी को, एक बार थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइए। ये जितने भी डेसिमल वाला एरिया है वहां पे मैं चेक किया कि वहां पे तो कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, अब जहां इंटीग्रल पॉइंट है वहां चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। जल्दी यहां तक मुझे कमेंट करके बताइए क्या सब कुछ क्लियर है। एक बार फिर से ऑडियो क्वालिटी डिक्रीज्ड सुधीर, तो फिर से एक्सप्लेन करें, ठीक है जी, देख लो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत आया है। चलो सुनो, इधर देखो, जब फिर से मैं बता देता हूं, इस बार पक्का समझ में आएगा, एकदम पक्का आएगा ही। देखो अभी मैंने क्या लिया, सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, और ये रियल नंबर क्या है ना कि मैं डेसिमल वाला ले रहा हूं रियल नंबर। ध्यान से देखिएगा, जो भी डेसिमल वाला होता है ना जैसे 2.3 सब वो रियल नंबर ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, तो पहले सी प्लस निकालते हैं, राइट हैंड एफ एक्स लिखा, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी प्लस, ये एफ एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लिया, ठीक है। और सी प्लस का मतलब क्या हो गया कि सी से थोड़ा सा ज्यादा, तो सी से ज्यादा कैसे होगा, देखो सी में हमने कुछ ऐड किया तभी ना ज्यादा होगा, तो एक्स का वैल्यू कह रहा सी से ज्यादा, एक्स का वैल्यू सी से ज्यादा, तो सी से ज्यादा कैसे होना है, ये सी में कुछ ऐड किया एक्स की जगह, ये देखिए इस एक्स की जगह सी में कुछ ऐड कर दिया तो सी से ज्यादा हो गया, और ये जो ज्यादा ऐड होता है ना एच जो ऐड हो रहा है वो जीरो के आसपास ऐड होता है, इतनी बात समझ में आई, जीरो के आसपास होता है। और अब जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, वही तो मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए यहीं पे सारा खेल हम लोग सीखते हैं। ये देखो अभी सी का वैल्यू मैं जूम कर लिया 2.3, मान लो कि सी का वैल्यू 2.3 ले, ये सी कोई डेसिमल ले लो, कोई भी डेसिमल नंबर ले सकते हैं, ये मैंने सी का वैल्यू 2.3 ले लिया, तो बताओ 2.3 किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, और 2 का नाम मैंने रखा k और 3 जो है k प्लस 1, 2 से 3 जाएगा तो एक अधिक है तो k प्लस 1 रख सकते हैं, ठीक है समझे। ध्यान से देखो, पहले जितनी बातें सिखा रहा हूं सुन लो, पहले ये जो 3 है ना k प्लस 1 रखा मैंने, जैसे सबका एक नाम रख दिया, जैसे आपका नाम है मेरा नाम है तो मैंने इसका भी नाम रख दिया, C 2.3 लिया, K का नाम 2 हो गया और K प्लस 1 कितना हो गया 3। तो अब मुझे बताओ यहाँ पहला सिचुएशन ना इससे कुछ अधिक ले रहे हैं, कुछ अधिक करना है C में, कुछ ऐड करना C प्लस एच पे हमें जाना है, C प्लस एच, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो C प्लस एच कहने का मतलब यहाँ तो C प्लस एच लिख दिया और C का वैल्यू 2.3 लिया था, और मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ 2.3 में कितना मैं ऐड करूँ, मतलब थोड़ा सा ऐड करना है थोड़ा सा, तो 2.3 में मान लो कि मैंने ऐड किया तो हो सकता है 2.4 आ जाए, ये हो सकता है 2.4 आ जाए, लेकिन अभी भी ये 2.4 किसके बीच में है बताओ, 2 और 3 के बीच में ही है, ठीक है। और हमने 2 का नाम क्या रखा था, जैसे आपका नाम मेरा नाम उसी तरह 2 को के माना, और बताओ को क्या बोला था, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर C प्लस एच को ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखते तो इसका आंसर क्या आएगा, C प्लस एच का
दो वैल्यू के बीच में लाइक करना, तो छोटा वाला लेंगे हम, तो छोटा वाला क्या था, के था, तो यही तो आंसर लिखा। देखो सी प्लस एच का आंसर कितना हो गया, आंसर इट विल कम के। यहां तक मुझे बताइए क्या समझ में आया, ये वाला पार्ट तक मुझे बताओ क्या समझ में आया जल्दी। जल्दी सब कमेंट रिप्लाई करें, जल्दी मुझे बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके बहुत लोग का हाँ आ रहा है, वेरी गुड। ठीक समझ में आ गया, बहुत लोग का समझ में आ गया। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में चलते हैं। देखिए देखो ये भी समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, सब आएगा ठीक है। हम जो सोचे हैं वही होगा ठीक है, ध्यान से देखें। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए अब इधर देखिए, लिमिट x टेंस टू c के ऊपर माइनस, यही तो लेफ्ट है पहचान, ये एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c के ऊपर माइनस, और इस एफ एक्स की जगह मैंने लिखा ग्रेटर इंटीजर, यहां तक तो सही होगा ग्रेटर इंटीजर है ना। और अब देखो c का वैल्यू मतलब x का वैल्यू c से कम लेना है, और c से कम कैसे होता है, x का वैल्यू c से कम कैसे होगा, जब c में इस पर माइनस कुछ करना पड़ेगा तो c माइनस से छोड़ दिया, ये कर सकते हैं ना, x का वैल्यू c से कम, ये x का वैल्यू c से कम, तो c से कम कैसे होगा, c में से h होगा, कम करेंगे और h किसके आसपास होगा, जीरो के आसपास होगा, ये लिखा मैंने। अब देखते हैं कि c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर k कैसे आ रहा है। यहां देखो हमने नाम रखा था ना, जैसे मेरा नाम आपका नाम उसी तरह इसका भी नाम था, मैंने अज्यूम किया c क्या था जी 2.3, तो ये 2.3 मान लो 2 और 3 के बीच में लाइक करते हैं, 2.3 का नाम c, तो 2 का नाम k रख दिया मैंने, और ये होगा k प्लस 1 होगा एक अधिक ठीक है। लेकिन इस बार मुझे क्या जाना है ना, प्लस में नहीं जाना, इस बार मुझे माइनस में जाना है, तो c में कुछ माइनस करना, तो ये हो गया c माइनस एच ठीक है। और c का तो हमने नाम रखा था 2.3, और 2.3 में कुछ माइनस करो, कुछ माइनस करो, कुछ माइनस करो, छोटा सा माइनस करो, छोटा सा जब माइनस करोगे तो 2.2 आ जाएगा। अब 2.2 बताओ किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में ठीक है। आइए सबका नाम हम मेंशन कर लेते हैं ठीक है, जैसे पता है ना सोना मुन्ना सबका नाम रखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग नाम रखते हैं। 2 है तो 2 का नाम क्या रखा मैंने, k, और इसका नाम रखा था k प्लस 1, तो अभी भी मुझे बताओ, और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस बार रखेंगे तो बताओ कौन सा लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं कि बड़ा वाला, तो बोलोगे सर छोटा वाला, अभी भी आंसर कितना आ रहा है इसका, k आ रहा है, स्टिल वी आर गेटिंग आंसर एज अ k। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी से। देखो और यहां पे देखिए फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला गया, डायरेक्ट सी पे निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं ना एफ एक्स जो था, ये एफ एक्स है, ये बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अब एक डायरेक्टली मुझे सी था तो यहां भी सी लग दिया, और सी क्या है 2.3 का नाम था, ये रखा था ना 2.3 रखा था ठीक है, तो 2.3 किसके बीच में बताओ, 2 और 3 के बीच में जिसका नाम क्या रखा था, ये तो आंसर आ जाएगा ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, यही तो पढ़ाना चाह रहा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सेम, तो फंक्शन जितना है ना डेसिमल वाला पार्ट जितना भी है सब जगह कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एक पार्ट और भी प्रूव करना है, क्या हमारा सी इंटीग्रल पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस, ये भी चेक करना है इसका ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट पे भी चेक नहीं करनी है। अब देखो ये इंटीग्रल पॉइंट पे कैसे निकलेगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां देखिएगा इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आपका आ जाएगा, तो एकदम ध्यान से देखना है,
कैसे इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आएगा वो अभी हम लोग चेक यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो जी, अब मैं क्या लेकर के चलता हूं, यहां पे ले लो, लेट के बी एनी इंटीजर, यहां पे इंटीजर ले लेते हैं, सी के जगह इस पर के ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले आरएचएल ही लेते हैं, आरएचएल लिमिट एक्सटेंस टू के ऊपर प्लस लिया मैंने, और यहां लिखेंगे हम लोग क्या एफ एक्स, हमने लिखा लिमिट एक्सटेंस टू के ऊपर प्लस और एफ एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जैसा भी आपको बताया गया था कि लिमिट ये जो एक्स है ना, एक्स का वैल्यू के प्लस के से थोड़ा ज़्यादा है, तो के से थोड़ा ज़्यादा कैसे होगा, जब के में कुछ ऐड करोगे तभी ना ज़्यादा होगा। एक्स का वैल्यू के से ज़्यादा के प्लस एच, और एच जो है जो ऐड कर रहे हैं किसके आसपास होगा, हमेशा जीरो के आसपास कर दिया मैंने। ठीक है, जीरो के आसपास। अब देखिए, अब इसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको सिखाया था के कितना लेकर के चले थे, तो मान लो 2.3 लेकर के चले, यही तो लेकर चले थे ना 2.3। अब देखो, इसको के लिया था मैंने, अब यहां के प्लस एच करते हैं, के प्लस एच। ठीक है, या पहले सॉरी, के जो है ना इस पर हम लोग क्या लेना है, इंटीजर लेना है, 2.3 नहीं लेना है। इस पर कोई इंटीग्रल लेकर के चल जाओ, के का वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए के का वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो के प्लस एच, अब मुझे जाना है के प्लस एच में, तो बताओ अगर ये 2 है, के का वैल्यू 2 में थोड़ा ज्यादा ऐड करोगे तो मान लो 2.1 आ जाएगा, यही आ सकता है। ठीक है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा जी, 2.1 ऑफकोर्स 2 और किसके बीच में लाई करेगा, ये 3 के बीच में लाई करेगा, यही लाई करेगा ना। तो जिसका नाम k और ये हो गया k प्लस 1 कह सकते हैं हम लोग, यही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी इसका आंसर कितना आ गया, इसका नाम k रखा था, k का नाम 2 रखा था, ये k प्लस 1, तो अभी भी आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका वैल्यू अगर पुट करोगे तो यू विल गेट आंसर k आ जाएगा। ऐसे देखा ना, k प्लस एच अभी भी k और k प्लस 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो आंसर कितना होगा, k हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर देखिए। अब मैं इसका LHL बता रहा हूँ आपका, LHL कैसे होगा, लिमिट एक्सटेंस टू k के ऊपर माइनस कर दो, ये हो गया एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्सटेंस टू k के ऊपर माइनस, और ये लिखा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप क्या करोगे, लिमिट जो x का वैल्यू कह रहा है k से कम, तो k से कम कैसे होगा, k में कुछ माइनस करोगे तभी जाकर के यह कम होने वाला है, और मैंने लिखा h टेंस टू जीरो। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगाते हैं कि इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे एकदम। ओके, इसको चेक करके देखते हैं, k का वैल्यू तो हमने 2 लिया था। ठीक है, k माइनस h करना है, तो 2 में से कुछ कम करना है, तो 2 में से कुछ भी कम करोगे तो मान लो 1.9 होगा, 2 से थोड़ा कम करोगे तो 1 समथिंग जाएगा। ठीक है, k माइनस एच, अब बताओ ये किसके बीच में लाई करेगा जी, ये लाई करेगा आपका, हाँ ये लाई क्या करेगा बताओ, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और बताओ यहाँ 2 का नाम हम लोग क्या रखे थे, k रखे थे, तो ये k हो गया, ये 2k था और ये 1 है, एक कम हो गया ना, तो इसका नाम k माइनस 1 हो जाएगा। देखो, इसका नाम 2 रखे थे और ये एक कम है, एक के जी कम है, तो इसका नाम k माइनस 1 हो जाएगा, एक अगर कम है तो k माइनस 1 रखेंगे। तो बताओ इसका मतलब ये किसके बीच में लाई करेगा, ये k माइनस 1 हो गया, ये देखो k माइनस 1 और ये हो गया k, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, इस पर k माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि k माइनस एच विल लाई बिटवीन k माइनस 1 एंड k के बीच में लाई करेगा, जैसे 1.9 1 और 2 के बीच में, और 2 को हमने क्या माना था, k माना था, तो इसे क्या, ये क्या हो जाएगा, k माइनस 1 हो गया। तो कह सकते हैं इस बार k माइनस एच k माइनस 1 और k के बीच में है, तो आंसर k माइनस 1 आ गया। तो आप यहीं पर देख लो ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कितना डिफरेंस है,
ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं चाहो तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल लो। एफ एक्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर था और एफ इस एक्स की जगह जो हम लोग लिखेंगे ये क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ठीक है, और ये के हो जाएगा, के तो एक इंटीजर है और इंटीजर का वैल्यू के ही आता है। तो आप देख लो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होगा ना, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एनी इंटीग्रल पॉइंट। जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, सब जगह वो डिसकंटिन्यूअस जाएगा, ठीक है, के माइनस वन आ जाएगा, यही इसका आंसर। तो क्या कंक्लूजन निकला जी, जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है सारे डेसिमल वाला पॉइंट रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है बट डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आया। चलो हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं, बहुत लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे थोड़ा फोकस कीजिए, ये 16 क्या कह रहा है ना कि प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जितने भी रेशनल फंक्शन होते हैं ना कॉन्टिन्यूअस होता है। ज़्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप खाली लिख दो क्या एफ एक्स, ये लिखा मैंने पी एक्स और वाई क्यू एक्स लिख दिया, वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो हमारे पास फंक्शन है, दैट इज पी एक्स बाई क्यू एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मैंने लिखा, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग काम यहाँ पर करेंगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है अभी जस्ट सिखाया था और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, अभी मैंने तुरंत पहला क्वेश्चन वही करवाया हूँ कि जितने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो बस आप लिख दो कि सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो दोनों का कोशेंट, ठीक है, ये कोशेंट है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, कोशेंट ऑफ, ठीक है, टू पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, हेंस एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब आप अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए, हेंस एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरी वेयर, हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन, आओ जी साइन फंक्शन का देखते हैं कंटिन्यूअस, हालांकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बता दिया था कि ये सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, लेकिन प्रूविंग में दिखा देता हूं कैसे ये कॉन्टिन्यूअस जा रहा है, देखते जाओ। आइए इसको हम लोग सीख लेते हैं ये कॉन्टिन्यूअस कैसे है। यहां पर एफ एक्स इक्वल टू मैंने कितना ले लिया जी, ये साइन एक्स कर लिया, पहला काम तो ये लिख लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मैंने लिख लिया, ठीक है। अगर एफ एक्स मेरा साइन एक्स है तो कैसे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी प्रूव करेंगे, लेट, और हर जगह प्रूव करना है, सी बी एनी रियल नंबर, किसी रियल नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो डायरेक्ट ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बुक में आर एच एल इसका निकाला गया है पहले, ठीक है। तो आर एच एल कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी के ऊपर प्लस करेंगे हम, सी है आर एच एल निकालने का मतलब सी प्लस, ठीक है। हालांकि एक ही फंक्शन है तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी बुक में देखो आर एच एल एल एच एल भी निकाल के किया है, मतलब बनेगा उस तरह भी आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। अगर आर एच एल निकालोगे तो यहाँ पर फंक्शन तो एक ही है, ठीक है, आप यहाँ लिख दो एफ एक्स, मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंड्स टू सी के ऊपर माइनस, और एफ एक्स की जगह आई विल पुट हियर साइन एक्स हो गया, ठीक है साइन एक्स। और जस्ट अभी आपको सिखाया कि मुझे बताओ जी एक्सटेंड्स टू सी के ऊपर माइनस था, आप लोग मुझे बताइए सी के ऊपर सॉरी प्लस है,
ठीक है, गुस्सा मत, प्लस प्लस। सी के ऊपर प्लस तो लिखेंगे, इसका मतलब x का वैल्यू c से ज्यादा, तो देखो जी c से ज्यादा तो c प्लस h करना पड़ेगा, इस x की जगह c प्लस h, और जो h टेंस टू मैंने लिखा जीरो कर दिया, ठीक है, ये मैंने जीरो कर दिया। अब क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, तो जब डायरेक्ट पुट करोगे तो आ जाएगा कितना, साइन सी आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो आर एच एल का वैल्यू आ गया ना, ये हो गया साइन सी। उसी तरह से आप एल एच एल भी निकाल सकते हो, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी के ऊपर माइनस करो, और फंक्शन तो वही लिखना है, साइन एक्स ही लेना है, और इस बार जो एक्स का वैल्यू है ना वो सी से छोटा होना चाहिए, तो सी से छोटा सी माइनस एच करना पड़ेगा, और एच हमेशा जीरो के आसपास होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया साइन सी आ गया। ये लो जी एल एच एल भी हमारा निकल गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, ये तो एफ एक्स था, साइन एक्स है, तो एफ सी ये हो गया साइन सी हो गया। तो सब वैल्यू सेम आ रहा है, एल एच एल, आर एच एल और एफ सी, ये तीनों सेम है, मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। आप डायरेक्ट एक लिमिट भी निकाल के बनाओ, आंसर आपका आ जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा कमेंट कीजिए, क्या समझ में आया ये चीज, जल्दी, वेरी गुड, समझ में आ गया बैक्सियम लोग। देखो जिस तरह से अभी हमने साइन का बताया ना, उसी तरह से अभी आपका कॉस का भी बन जाएगा, कॉस एक्स का भी उसी तरह आपका बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, कॉस भी उसी तरह से कॉन्टिन्यूस आपका होगा, कॉस भी उसी तरह से कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लो बढ़िया से, 18 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, यह कॉन्टिन्यूस हो गया। तो मैंने क्या कर दिया ना, एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा यहां पर टेन एक्स कर दिया, और टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स और बाई कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे को लिख ही सकते हैं ना, टेन एक्स को साइन एक्स और कॉस एक्स, और अभी जस्ट मैंने प्रूव करवाया था ना, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, साइन कॉन्टिन्यूस कॉस कॉन्टिन्यूस, तो दोनों का डिविजन फॉर्म क्वेश्चन फॉर्म भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा, बस वो लिटरेचर आप लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, पहले अगला जो क्वेश्चन है ना वो कंसेप्ट में बता देता हूं। मान लो कि f एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, और g एक फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस, ध्यान से देख लीजिए, f भी कॉन्टिन्यूस है और g भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो जो हमारा फॉग होगा ना वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस ही होगा, कॉम्पोजिशन फंक्शन वो भी हमारा क्या होगा बताओ, तो कॉन्टिन्यूस ही होगा। ध्यान से देख लीजिए, मैंने भी आपको क्या बताया, f कॉन्टिन्यूस है, g कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्लियर। तो मान लो कि जो ये फॉग है डिफाइन, मान लो c कोई भी एक रियल नंबर जो हम लोग लेकर के चलेंगे वो भी कॉन्टिन्यूस ही होगा, जैसे दो अलग अलग फंक्शन है और उसका जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो भी क्या निकलता है बताओ, तो कॉन्टिन्यूस ही निकलेगा, f कॉन्टिन्यूस, g कॉन्टिन्यूस, फॉग भी आपका क्या निकलेगा, कॉन्टिन्यूस ही निकलेगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, कि जितने भी कॉम्पोजिशन फंक्शन होते हैं दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करेंगे। जैसे देख लो क्या है जी, यहां लिखा मैंने एफ एक्स और ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, शो दैट द फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन के बेसिस पर ही प्रूव कर सकते हैं, हालांकि डायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन कॉम्पोजिशन का यूज करके देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन,
इसको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। लेट अभी क्या करते हैं ना, दो फंक्शन बना लेते हैं, एक का नाम साइन एक्स रख दो और एक का नाम जी एक्स 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 स्क्वायर, ठीक है। दो फंक्शन मैंने इसी को देखते हुए बना लिया, एफ जो है ना दो फंक्शन, एक एच एक्स और एक मैंने क्या कर दिया बताओ जी, जी एक्स मैंने कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, दो फंक्शन मैंने यहां पर लिख दिया। पहला काम तो सबसे पहले ये कर दो, जी एक्स का नाम या कुछ भी लिख दो, ठीक है, साइन एक्स हो गया एच एक्स। अब आपको देखना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। इसका कॉम्पोजिशन मान लो एच ओ जी एक्स लेकर के देखो, एच ओ जी एक्स लेकर के देखो कैसा होगा, एच लिखेंगे ओ और ये क्या हो गया जी एक्स, कर्ली ब्रैकेट में पढ़ाया था ना, ओ का मतलब कर्ली ब्रैकेट हो गया जी एक्स, ठीक है। और अब जरा बता दो इन द प्लेस ऑफ जी एक्स को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये होगा। अब ये एक्स स्क्वायर किस फंक्शन में घुस गया, एच वाले फंक्शन में, और ब्रैकेट में एक्स था तो साइन एक्स हो गया, और ब्रैकेट में इस बार एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया, इट विल बिकम एच ओ जी एक्स हो गया, ठीक है, एच ओ जी एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो बताओ ये जो साइन एक्स स्क्वायर कॉम्पोजिशन फंक्शन ही तो है, किस फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, तो बोलोगे सर एच और जी फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। और अपने आप से क्वेश्चन पूछ लो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पहले बेसिक देख लो, ठीक है, बोलोगे हाँ सर साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो इसका जो कॉम्पोजिशन होगा ये भी क्या निकलेगा आपका, कॉन्टिन्यूस ही निकलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस तरह से करके तोड़ कर लिख दीजिए, तो हेंस जो आपका जो एफएक्स निकल गया ना, ये तो एफएक्स ही था एक तरह का, इसी कॉम्पोजिशन को हम लोग एफएक्स कहेंगे, साइन एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए क्या क्लियर है मेरी बात, देखो एक आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग इन करते हैं, जरा देख लीजिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है इसी तरह कॉम्पोजिशन फंक्शन का ही एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है, ये क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स मॉड वन माइनस एक्स और फिर यहाँ पे मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स है और पूरे पे मॉड रख रहा है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसको भी चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं। एनसीईआरटी का ये लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग तुरंत ही कर जाएंगे, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। यहां पर हम लोग क्या क्या एज्यूम करेंगे देखते जाइए बढ़िया से, आप क्या ले लो ना जी एक्स को 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स कर लो, अंदर वाला जी एक्स और इसको ले लो एच एक्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा मॉड एक्स मैंने कर लिया, पूरा का पूरा मॉड एक्स मैंने यहां पे रख लिया, चेक करके देख लो एच ओ जी एक्स क्या ये कॉम्पोजिशन निकालेंगे तो ये फंक्शन पूरा का पूरा आएगा, चेक करते हैं देखते हैं। एच ओ की जगह कर्ली ब्रैकेट और रखा मैंने यहाँ पे क्या जी एक्स रख दिया, ठीक है, ये हमने जी एक्स यहाँ पर रख दिया। अब आप क्या करोगे एच की जगह एच और जी एक्स वन माइनस एक्स प्लस यहाँ लिखा मॉड एक्स मैंने कर दिया, वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स मैंने रखा, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ ये जो पूरा का पूरा फंक्शन आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये किस में आ गया जी, एच में आ गया है, और एच का काम क्या है, जो भी ब्रैकेट के अंदर में आता है ना उसको मॉड के साथ स्वागत करता है, दो डंडा के बीच में उसको रखता है, इस बार ये पूरा एक्स है और इसको दो डंडा के बीच में रखेगा, ये होगा वन माइनस एक्स और प्लस मैंने रखा मॉड एक्स कर दिया, दिस इज एच ओ जी एक्स, यही हमारा एच ओ जी एक्स आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये भी क्या है ना, किसी दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन, एक किसका है जी और एक फंक्शन किसका है एच, तो ये कॉन्टिन्यूस होने से पहले अपने आप से आप क्वेश्चन कर लो क्या जी हमारा कॉन्टिन्यूस है, एच हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो बोलोगे हाँ सर जी भी कॉन्टिन्यूस है, क्यों, क्योंकि देखो जी इज द मतलब कह सकते हो कि मॉड फंक्शन
और लीनियर या पोलिनोमियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन तीनों कंटिन्यूअस होता है, उसी तरह लिखिएगा तो उसका सम और डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये मॉड फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है, तो कंपोजिशन ऑफ जी एंड एच इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे का देखो पांच क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान है। आगे का देख लीजिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कह रहा हूं ये देख लीजिए, ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखिएगा, आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर, दो तीन लेक्चर आपने किया है, देखा है, तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला है कि प्रूव दैट फंक्शन 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, फिर -3 और 5 पर आपको चेक करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन का मजा दे दिए। ठीक है, तीन बार आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी एक ही क्वेश्चन में। अब जैसा बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि fx जो है ना 5x-3 है, पहले मुझे चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। फंक्शन तो एक ही है, लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर सकते हो। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ फंक्शन 5x-3 कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि सिखाया था डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, x की जगह डायरेक्ट पुट करोगे तो आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो लो जी, ये लिमिट का वैल्यू आ गया, और जब लिमिट का वैल्यू आ गया तो अब इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, डायरेक्ट 0 पुट करो, तो यहाँ भी 5 × 0 - 3, नेट आंसर -3। तो ये दोनों क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x-3, ठीक है, और ये हो गया f0, या इसको नाम पूरा fx आप रखो, ये बिल्कुल सेम आ गया। इसका मतलब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एट f इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उसी तरह हम -3 पे निकालेंगे सेम मेथड, फिर 3 पे निकालेंगे, सब जगह चेक कर लेंगे, अगर इक्वल है तो ठीक है, इक्वल नहीं है तो दिक्कत। क्लियर है, क्योंकि फंक्शन एक ही है, लेफ्ट राइट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जाकर लिमिट निकाल दो। क्या क्लियर है यहां तक, ध्यान से देख लीजिए, ये बन जाएगा तीनों क्वेश्चंस, ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन मैं एट अ पॉइंट पे करवाया हूं, बन जाना चाहिए। अब देखो यहां भी एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x² at x = 3। देखो इसको बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको बनाइएगा बिल्कुल उसी तरह से, 2x² - 1 ऐड आपको करना है x = 3 पर, बिल्कुल वही अंदाज, लेफ्ट राइट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ निकाल देना है fx की जगह 2x² - 1, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दूँ, 2 × 3² - 1, ये 18 और ये कितना हो गया 17। ठीक है, नहीं गलत हो गया, आप थोड़ा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये कितना था -1 था ना, यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे 2 × 3² - 1 हो गया, हाँ 9 × 18 = 17, ठीक है 17 ही है, और डायरेक्ट वैल्यू भी निकालोगे तो 17 ही आएगा, ये बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है, चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से ये चीज बन जाएगा। इसके बाद 3 नंबर भी कंटिन्यूटी हर जगह आपको चेक करना है, हर जगह का तरीका आपको बताया हूँ। ठीक है, लेट सी ले लो, मैं 3 का ए नंबर बता रहा हूँ, 3 का ए नंबर देखो बता देता हूँ, हमारे पास fx क्या है जी, x-5 है, लेट सी बी एनी पॉइंट ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है, और उसी तरह से लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू सी पे निकाल दो, x-5 डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे c-5, और fc भी निकालेंगे तो c-5 दोनों आपस में इक्वल है, फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, कॉन्टिन्यूस हो गया। ये सब क्वेश्चन उसी तरह बन जाएगा, कोई दो अलग अलग फंक्शन नहीं निकाला हुआ है, तो लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से c को कोई रियल नंबर लेकर के बनाइए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकलता चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपसे बन जाना चाहिए। देखो
उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 4 कह रहा है, मैं 5 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और हैं, आसानी से सब बन जाएगा, आप देखते जाइए। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, इस बार जो क्वेश्चन कह रहा है ना, एफ एक्स एक्स का पावर एन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन, ठीक है, मुझे एक्स इक्वल टू एन पर कॉन्टिन्यूस चाहिए। देखो फंक्शन यही है, तो लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग क्या कर देते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर लेकर के देखो, उसी तरह से ले लो जिस तरह से बताया गया, आप लिमिट डायरेक्ट ले लो ना, x टेंस टू n, जैसे c लेते थे यहाँ पर हम लोग n ले लेंगे। अब क्या करो, फंक्शन तो हमारा वही होगा, x का पावर n ले लेते हैं, इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो तो n का पावर n हो गया, तरीका बिल्कुल वही है, ठीक है। और नाउ इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एन ले लो n का पावर n, तो बिल्कुल सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ना लिमिट x टेंस टू n x का पावर n इक्वल टू एफ एन, लिमिट और वैल्यू सेम है, फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा हम लोग निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन खाली 5 नंबर देखो, थोड़ा सा अलग कर दिया है, हल्का सा अलग किया है, यही मुझे सिखाना था, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो जी, इस बार फंक्शन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं लिख करके दिखा देता हूँ। फंक्शन है x इफ x स्मॉलर देन इक्वल टू 1 और 5 इफ x ग्रेटर देन 1, मैंने किया दिख रहा है, आपको चेक करना है कि फंक्शन हमारा 1 पे 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, फिर 1 पर और 2 पर, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है, तो आपको सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ेगा, एट x इक्वल टू पहले आपको 0 करना पड़ेगा। देखो क्या हम लोग 0 पे निकाल सकते हैं, चेक करते हैं, 0 पे निकाल, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो x इक्वल टू 0 मैंने आपको बताया, और जब 0 आप देख रहे हो यहाँ पर, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ देखिए दो फंक्शन है, लेफ्ट भी और राइट भी, तो लेफ्ट और राइट को कैसे देखना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात, पहले मैं आर एच एल ले रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर मैंने क्या कर दिया, प्लस, ये तो कर ही सकते हैं, 0 के ऊपर मैंने लिखा प्लस किया, देखते जाना एकदम, ठीक है, 0 के ऊपर प्लस, तो 0 के ऊपर प्लस का मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, एफ एक्स। अब यहां पर आपको राइट लेफ्ट निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, तो हमें चेक करने की जरूरत है, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे पता है कि 90% बच्चे यहां पर गलती करेंगे, 0 से थोड़ा सा ज्यादा कितना हो सकता है, सोचो 0 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा फंक्शन आएगा, कि अरे भाई 0 से थोड़ा सा ज्यादा 0.1 लिख सकते हैं, मान लो 0 से मुझे थोड़ा सा ज्यादा तो 0.1 लिखा जा सकता है, और 0.1 थोड़ा सा ज्यादा किस में लाई कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा किस में लाई करेगा, ये देखो इस फंक्शन 1 से कम, देखो x का वैल्यू 1 से कम, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा 0.1, लेकिन 0.1 1 से कम, बात ध्यान से समझ, ठीक है, ये जो है ना 0 से थोड़ा सा ज्यादा 0.1, लेकिन 0.1 भी 1 से कम है, तो 1 से कम कौन सा फंक्शन होगा, x होगा, ठीक है, x होगा, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ गया 0, ये हमारा 0 हो गया। अच्छा एक और देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर मैंने क्या कर दिया जी, यहां लिख दिया माइनस, और इसमें देखना है fx, तो 0 से मुझे कम लेना है, तो 0 से कम कौन सा लेंगे मुझे बताओ, यही काम करना है ना, 0 से मुझे थोड़ा सा कम लेना है, तो 0 से कम क्या हो सकता, सोचो 0 से कम, थोड़ा सा कम चले जाओ, ठीक है, अगर मुझे 0 से कम लेना है, आप लोग मुझे बताओ क्या हो सकता है, 0 से कम क्या होगा, हाँ जैसे अगर इंटीजर होता, ध्यान से सुनो, 0 से अधिक क्या होता था, 0.1 0.2 ऐसे से करें, तो इधर भी -0.1 -0.2, तो लिख सकते हैं -0.1 ले सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव में जाएगा हमारा, तो -0.1 भी किसके बीच में है, क्या 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है,
ठीक है। तो इसके लिए भी कौन सा फंक्शन होगा पता है कौन सा, यही एफ एक्स ही लेंगे हम, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो के ऊपर माइनस में एफ एक्स का वैल्यू एक्स ही लेंगे हम। और यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है, आंसर आ गया जीरो। ध्यान से देख लो, आंसर आ जाएगा आपका जीरो यहाँ पर आ गया। अब मुझे बताओ तीसरा क्या करना है, एफ जीरो लेना है। तो एफ जीरो में कौन सा कंडीशन आ रहा है, जीरो इसके इस ये इसी में आ जाएगा, तो एक्स पुट कर दो यहाँ भी जीरो, तो तीनों वैल्यू इक्वल है एल एच एल आर एच एल और एफ जीरो, ठीक है, ये आपका तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझ लीजिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है जो बताना चाह रहा हूं मैं, एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से। ऑलराइट, अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक मैं हल्का सा और बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है, दो मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। तो एट एक्स इक्वल टू क्या करें ना, वन पे देखते हैं वन पे क्या कहानी चल रहा है। तो पहले मैं आर एच एल ले लेता हूं, लिमिट टेक्सटेंस टू वन के ऊपर प्लस, ठीक है, वन के ऊपर मैंने प्लस ले लिया, और वन के ऊपर प्लस का मतलब क्या हो गया, वन से थोड़ा सा ज्यादा हो, तो वन से थोड़ा सा ज्यादा अगर हो गया तो क्या होगा जी, बताओ, यहां लिखा एफ एक्स, वन से ज्यादा में कौन सा फंक्शन है, फाइव, तो लिमिट एक्सटेंस टू वन के ऊपर प्लस यहां लिखा फाइव, और फाइव है तो इसका आंसर फाइव ही आएगा, ठीक है। अब देखो लिमिट एक्सटेंस टू वन के ऊपर माइनस करेंगे, और यहां लिखा मैंने एफ एक्स, ठीक है, वन से थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा कम, तो ये तो आ जाएगा थोड़ा सा कम एक्स, ठीक है, यहां लिखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू वन के ऊपर माइनस और एक्स, इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा सॉरी वन है, ठीक है, वन है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये हमारा एल एच एल था वो आर एच एल, आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, तो कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस वन पर नहीं है, ठीक है, ये वन पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। और एक आखिरी में बता देता हूं आपको, एक आखिरी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, एट एक्स इक्वल टू टू पे देखो जी, टू पे चेक करते हैं, टू पे चेक कर फंक्शन देखिएगा, फंक्शन यहां पे अजीब बनेगा, पहले आर एच एल लेते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू टू के ऊपर प्लस, और यहां पर एफ एक्स, अब मुझे बताओ टू से थोड़ा सा ज्यादा, तो ज्यादा तो इसी में आएगा ना, टू क्या है, वन से तो बड़ा है, इस कंडीशन में टू जो है टू इज ग्रेटर देन वन है, तो इस कंडीशन में फाइव, तो लो जी फाइव आ जाएगा आपका, फाइव का तो फाइव ही होना है। एक चीज और देखते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू टू के ऊपर माइनस, और ये हो गया एफ एक्स, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए तो क्या लेंगे इसका फंक्शन, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला एक बार कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ टू के ऊपर अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप लोग क्या फंक्शन ले रहे हो, थोड़ा कमेंट करके मुझे बता दो क्या फंक्शन यहाँ पर होगा। चलिए जल्दी, x लेंगे या 5 लेंगे, कौन सा हो बोलो, सब 5 लेंगे, ठीक है, देखो कैसे होगा ना, अच्छा 2 से थोड़ा सा कम जी, थोड़ा सा ना, भयंकर कम नहीं, थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम क्या आ सकता, 1.9 ले सकते हो, लेकिन 1.9 अभी भी किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन, ये देखो जी यही वाला तो है ना, ये देख लो ये कलुआ है यही वाला है, आंसर कितना आएगा 5, अभी भी फंक्शन हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंस टू 2 के ऊपर 5 होगा, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है, तो जब आंसर 5 है लेफ्ट राइट सेम है, और जब एफ टू लोगे तो 2 भी क्या है ग्रेटर देन 1, इसका भी 5 आ गया, तो एल एच एल आर एच एल और ये हो जाएगा एफ 5, एफ टू का वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो अच्छी तरह से समझिएगा, लेफ्ट के लिए भी सेम आया, राइट के लिए भी सेम आया, ध्यान से देखिएगा क्यों, क्योंकि पॉइंट जो लिया जा रहा है उसके बेसिस पर, जो एच ऐड हो रहा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, इसलिए ध्यान से देखना कि फंक्शन कौन सा आएगा,
क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत लोगों को समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का। इतना क्वेश्चन बना लो, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। और पता है कि इस बार भी एनसीईआरटी से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए एक एक क्वेश्चन जरूर एनसीईआरटी का खत्म कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।